morning, third class students. How are you? I hope all are good and safe at home. Okay, take out page number 32. हम हमारी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? जानवरों पर रहम. तो यहाँ पर कौन थे? नासिरुद्दीन एक बादशाह का गुलाम था. यह हम लेसन में पढ़े थे कि उन्हें हिरन का बच्चा लेकर जा रहा था. वो हिरनी क्या कर रही थी? उसके पीछे पीछे जा रही थी. वो अपनी जान की परवाह किए बगैर ही वो जा रही थी. और वो क्या कर रहा? उसके ऊपर मतलब वो जानवर पर रहम करके उसके बच्चे को छोड़ दिया था. और क्या हुआ था? और वो ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा. और क्या आप सल्लम क्या बोले थे? फरमा रहे थे कि तुम्हारा नाम अल्लाह के यहाँ बादशाहों की फेरिस में लिखा गया है, यानी लिस्ट में लिखा गया है. तुम्हें बादशाहत मिलेगी, मगर देखो बादशाहत आजमाइश होती है, यानी आजमाते हैं. जिस तरह तुमने आज हिरन पर रहम किया, वैसे ही मतलब अल्लाह ताला की मखलूक पर भी करना, बोल के वो बोले थे. तो हम हमारी ये लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, आज हम क्या करेंगे? क्वेश्चन एंड आंसर्स अपनी क्लास, आप लोग की क्लास बुक में लिखेंगे. ओके, फर्स्ट हम यहाँ पर मीनिंग्स है, मीनिंग्स को वन टाइम अपनी क्लास बुक में लिखना है. ठीक है, वन टाइम. नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, नासिरुद्दीन कौन था? यानी नासिरुद्दीन कौन था? कौन था बोलिए? नासिरुद्दीन एक बादशाह का गुलाम था. नासिरुद्दीन कौन था? एक बादशाह का गुलाम. ठीक है, नेक्स्ट वन, ये आपको क्वेश्चन आंसर्स किसमें लिखना है चिल्ड्रेंस? क्लास बुक में. ओके, नेक्स्ट वन है, जब नासिरुद्दीन ने हिरन के बच्चा पकड़ लिया तो हिरनी ने क्या किया? यानी हिरनी के बच्चे को जब नासिरुद्दीन पकड़ लिया तो क्या करा, क्या करी वो हिरनी? नासिरुद्दीन ने हिरनी को बच्चे को पकड़ लिया तो हिरनी नासिर के पीछे पीछे सर झुकाए वो क्या करी थी? जा रही थी, चल पड़ी. वो क्या करी? उसके पीछे वो बादशाह के गुलाम के पीछे क्या करी? वो उसके पीछे पीछे घोड़े के पीछे वो चलती रही सर झुकाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन ने बच्चे को क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ा वो? क्योंकि नासिरुद्दीन ने बच्चे को हिरनी के चेहरे पर उदासी देखकर छोड़ दिया. वो क्या हुई थी? उदास हो गई थी. क्या क्या बोल रही थी मन ही मन में? मतलब वो बच्चे के बगैर वो नहीं रह सकती. वो बच्चे को मार रहे तो मेरे को भी मार दो, वो बोल के बोली थी ना. वही तो वो हिरनी की चेहरे पर उदासी और उदासी देखकर वो छोड़ दिए थे. नासिरुद्दीन ने क्या ख्वाब देखा? नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा, नासिरुद्दीन ने क्या ख्वाब देखा? क्या देखे थे? नासिरुद्दीन ने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नासिर का नाम अल्लाह के यहाँ बादशाहों की फेरिस्त में है. यानी ये लोग क्या करे थे वहां पर? क्या बोले थे? फेरिस्त में लिख रहे बोल के बोले थे ना हमारे लेसन में. हाँ, नेक्स्ट वन है हमारा सेक्शन, यहाँ हाँ या नहीं में जवाब दीजिए. यहाँ पर अपने को क्या करना है? यस और नो में आंसर देना है. नासिरुद्दीन बादशाह का गुलाम था, हाँ या ना? हाँ. नासिरुद्दीन बच्चे को गधे पर डालकर ले जा रहा था. गधे पर डालकर ले जा रहा था, नहीं घोड़े पर. तो यहाँ पर नहीं का आंसर आना है आपको. नासिरुद्दीन को हिरनी पर कोई रहम नहीं आया, हाँ या ना? बोलिए, आया था ना? तो ये रॉन्ग है, तो नहीं. कुछ दिनों बाद नासिरुद्दीन बादशाह हुआ, हाँ ये सही है. नेक्स्ट सेक्शन हमारा, सही जुमले से सही जोड़ मिलाए. सही मतलब यहाँ पर क्या करना है? सही जोड़ मिलाना है अपने को. ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन है, एक दिन जब शिकार खेलने गए तो इसे हिरन का बच्चा नजर आया. तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? यहाँ पर फर्स्ट वाले में यहाँ पर सेकेंड वाले को मैच करना है. वो मजबूर थी, वो घबराई हुई घोड़े के पीछे पीछे चल दी. वो क्या करी? वो बहुत मजबूर थी और घबराई हुई थी, क्योंकि उसके बच्चे को लेके जा रहे थे ना वो, तो वो घोड़े के पीछे क्या कर रही थी? जा रही थी. नेक्स्ट वन है, वो बार बार मुड़कर नासिरुद्दीन को देख रही थी, गोया इसका शुक्रिया अदा कर रही हो. यहाँ पर हमको फोर्थ वाले में मिलाना है.
ठीक है, तो वो क्या कर रही थी जब वो बच्चे को छोड़ दिए थे नासिरुद्दीन, तो वो क्या करी बोलिए, उसके पीछे पलट कर देखती जा रही थी और उछलते कूदते वो जा रही थी, हिरन और उसका, हिरनी और उसके बच्चा। जिस तरह आज तुमने हिरन पर हम किया, उसी तरह बादशाह बनकर कर भी खुदा की मखलूक पर रहम करते रहना। बोल के कौन बोले थे? आप सल्लम फरमा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, इन अल्फाज के मुतजाद लिखिए, यानी अपोजिट वर्ड्स लिखना है माकू। फर्स्ट वन, बादशाह गरीब, खूबसूरत बदसूरत, घबरा गई सुकून, उदासी खुशी, शुक्रिया ना शुक्र। ये आप लोग का रीड वर्क है। कहाँ से करना है आप लोग को रीड वर्क? मैच द फॉलोइंग से, ये सेक्शन से आप लोग को क्या करना है? रीड वर्क करना है। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड मीनिंग्स आप लोग को आपकी क्लास वर्क में लिखना है। सो टर्न द पेज, मोहब्बत नफरत, चुपके चुपके तेज तेज, रहम आ गया गजब, ऐश तंग, जोश पुरसुकून, ये अपने अपोजिट वर्ड्स थे। अब हम लिखेंगे दर्जिज़ अल्फाज के वाहिद लिखिए, तो हमको क्या करना है? वाहिद में लिखना है, जमा में लिखे वाहिद, अपने को वाहिद में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जानवरों जानवर, बच्चों बच्चा, घोड़े घोड़ा, चौकड़ियाँ चौकड़ी, यानी वो उछलते कूदते वो जा रही थी, फूलों फूल, बादशाहों बादशाह, छोटे छोटा, रातें रात, दिनों दिन, गुलों गुल, ये हम वाहिद में लिखना है हम आपको इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वन, दर्जिज़ अल्फाज की जमा लिखिए, यहाँ पर हम आपको वाहिद में लिखा गया है, अपने को क्या करना है? एक से ज्यादा में कन्वर्ट करना है, यानी जमा में कन्वर्ट करना है। बादशाह बादशाहों, बच्चा बच्चों, शिकारी शिकारियों, ठीक है, दिन दिनों, गुलाम गुलामों, माँ माओ, जंगल जंगलात, रात रातें, ख्वाब ख्वाबों, जिंदगी जिंदगियाँ। ठीक है, ये आप लोग का रीड वर्क है स्टूडेंट्स। ओके, सो राइट नीटली एंड प्रॉपरली। सो कीप लर्निंग, स्टे एट होम, अल्लाह हाफिज़।